अभी ट्रैक करते करते त्यागी सर के बंगलों पे आए। यहाँ चाय पियेंगे, पानी तो पी लिए, अभी भी सांसें तेज चल रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ की, जो वादियों का जो मज़ा है पूछिए मत। सर से समझेंगे किस एरिया में क्या प्लांटेशन की गई है। और ये देखिए, वाह, एक ऐसा लग रहा है कि किसी रिजॉर्ट्स में ठहरे हुए हैं। तो सर मुझे बताइए, आप तो काफ़ी जन्नत वाली जगह पर ले के आए, तो ये सब प्लांटेशन किसकी है, कैसी है? मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं, तो एक बार कुछ मुझे आइडिया दीजिए कहाँ तक आपका साम्राज्य फैला हुआ है यहाँ पे। मैं आपको एक ऐसे स्पॉट पर लेके आया हूँ जहाँ से इस बगान की सुंदरता आप देखेंगे, और ये सुंदरता दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जितनी सुंदर जगह पे चाय पैदा हो रही है तो वो चाय कितनी सुंदर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही तो है। इसीलिए मैं आपको बगान की सुंदरता को भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे जो आपके आगे में जो लोग चाय पीने वाले होंगे, जो इन सभी भाइयों के साथ माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों से जो आए हुए हैं, जैसे मुझे भी मालूम हुआ कि यहाँ भीलवाड़ा राजस्थान से लोग हैं, यहाँ जयपुर से लोग हैं, यहाँ केरल से हमारे भाई आए हुए हैं, साउथ इंडिया से, यहाँ दिल्ली रोहिणी से हमारी पूनम बहन है, पूनम जी आई हुई हैं, और आप भीलवाड़ा से आए हुए हैं, आप भी राजस्थान से हैं, और आप हरियाणा से आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं, और तो आप सिलीगुड़ी के अग्रवाल साहब हैं, गुजरात से आए हुए हैं, गुजरात से हमारे जामनगर से जूनागढ़ से आए हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं, तो आपके माध्यम से जब लोग चाय पियेंगे तो वो ये जरूर फील करें अपने कप में, जब वो सुबह स्वाद लेने के लिए बैठेंगे अच्छी एवन ग्रो की ऑर्गेनिक दार्जिलिंग की फर्स्ट फ्लश या सेकंड फ्लश की चाय, तो उनको ये अनुभव ही होना चाहिए आपके इस वीडियो के माध्यम से कि ये बगान कितना खूबसूरत है और कितना सुंदर है। सही बात है। तो यहाँ देखिए आप, ये करीब 6000 फुट पे है हमारा, ये 6000 फुट है। जी हाँ, बहुत ऊंचाई है। और यहाँ से ये शुरू हुआ है और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, ये नॉर्थ ईस्ट, यस। और यहाँ से आप देखेंगे जो सामने का सेक्शन है, जो हम आपको अभी आप चर्चा कर रहे थे AV2 के बारे में, तो AV2 का वो सेक्शन है, ये वाली सारी एरिया, यस, जितना सुंदर आप उसका लैंडस्केपिंग देख रहे हैं, बहुत बहुत जबरदस्त है, उतनी ही सुंदर उसमें चाय पैदा होती है। और ये बगान आप देखते हैं, सामने में एक पहाड़ है ऊंचा, हाँ, वो क्या एरिया है, तो वो इस बगान यहाँ से, इस जगह से आपको जला पहाड़, सोनादा, करशोंग, आपको ये जो दो पहाड़ों के बीच की जगह, यहाँ से आपको सिलीगुड़ी दिखाई दे सकता है, यहाँ सिलीगुड़ी, यस, क्लियर मौसम में आप सिलीगुड़ी देखेंगे, और इसके राइट में मिरिक है, राइट में मिरिक। तो यहाँ केवल दार्जिलिंग के एक पार्ट के साथ बाकी सारे जो हिल स्टेशन के हमारे पार्ट है वो सारे आप यहाँ से नजारा ले सकते हैं। तो ये बगान नीचे तक है जहाँ इसके दोनों पहाड़ों के बीच में बालासन नदी है, और बालासन नदी के उस तरफ दूसरे गार्डन है और वहां तक हमारा गार्डन है, और इस पहाड़ के पीछे की तरफ में भी आप समझिए 3 या 4 पहाड़ तक एवन ग्रोथ स्टेट है। काफी फैला हुआ एरिया है, काफी बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया बीच में आप देखेंगे मिनी फॉरेस्ट है, आप देखिए यहाँ छोटे छोटे फॉरेस्ट है, सही बात। और ये अलग अलग मौसम में इसकी सुंदरता अलग अलग हो जाती है, जैसे बरसात के मौसम के जो नेचुरल फ्लावर्स हैं वो अलग होते हैं, सर्दियों के अलग हैं। अभी हमारा एक सेक्शन है वहां पे, उस पर थंडर लिली आया हुआ है। थंडर लिली एक लिली होता है, मैं सोचा चाय कोई नहीं, तो मैं उसकी आपको वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले वहां घूमने गया था, तो चाय के बीच में बहुत सारे लिली के फ्लावर्स हैं, वो लिली फ्लावर्स है, यस, मैं सोचा कोई पक्षी उच्छी है ऐसा कुछ नहीं। वो थंडर लिली मतलब फ्लावर का नाम है, वो मिल गया फोन। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन के बीच में फ्लावर्स, ओह माय गॉड, अरे वाह। अब आप सोचिए कि आप कैसी बेहतरीन चाय पीने वाले हैं कि जो फूलों के बीच में पैदा हो रही है, ये जो होता है ना सेफ्रॉन जो खाते हैं, उस तरीके के फूल, वैसे ही है, केसर के जैसा, हाँ, उस ये मैं देखा हूँ मेरी के साइड में कहीं कहीं पे जो है काफ़ी प्यारा होता है, एकदम जमीन से निकलते ही वो फूल हो जाता है, ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा रहा ये जर्नी, और ज़बरदस्त आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, बस अब चाय का मज़ा लीजिए।
यहाँ की स्पेशल चाय इस स्पेशल कैटली में पियेंगे सर, और हम मतलब मैं दोनों इसको चीयर्स करेंगे। एक जबरदस्त चाय है, सेकंड फ्लस की है, इसका कलर देखिए, वाह 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 सुपर। भाई दार्जिलिंग को सैम्पन ऑफ टी बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते। सैम्पन तो आराम से बनाई जा सकती है, लेकिन चाय आराम से नहीं बना दे सकती। ये काफ़ी ज़बरदस्त है सर, ये हमारे टीम के नाम चीयर्स। फर्स्टली हाई टू एवरीबडी, आई एम सिमोना एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन टी गार्डन। तो अब इवेंचुअली आपको जहाँ पैदा हुआ है उसके बारे में थोड़ा तो जानना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये नहीं कि इसे मार्केट कैसे कर सकते हैं या क्या, बट एक यूनिक पॉइंट्स जस्ट लाइक दैट, जस्ट फॉर फन। एक तो हमारे हमें ये कंसेप्शन है कि चाइना से इंडिया में आई चाय। यस, इट इज़ ट्रू कि वहाँ पे ओपियम वॉर चल रही थी, इसलिए ब्रिटिश को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे, चाइना वालों ने ये कर दिया था, तो उस वजह से यहाँ पे पैदावार स्टार्ट करनी पड़ी। दैट इज़ ट्रू, बट 10 साल इंट्रोडक्शन को इंडिया में हो गए थे, चाय के इंट्रोडक्शन को। और मैं नाम भूल रही हूँ, बट ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर विद अ लोकल पर्सन, और वो असम में कहीं पर घूमते हुए उन्हें एक पेड़ मिला, और उस पेड़ के कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे हाँ चीज़ें जैसे डिस्कवर अचानक से हो जाता है, तो पता चलता है कि लोग वहाँ पे ड्रिंक पीते हैं, और वो ड्रिंक तो चाय से बड़ी मैच करती है कि ये ड्रिंक क्या है। तो वो पता चलता है कि चाय तो यहाँ पे पहले से थी, जो चाइना से लेके आए चलो ठीक है दूसरी जात लेके आ गए, लेकिन चाय इंडिया में थी पहले से, ऑलरेडी थी। सो असम वैरायटी की जो जात है वो वही है। और एक और फैक्ट अगर शेयर करूँ तो चाय का जितने भी फ्लेवोनॉइड्स की हम बात करते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स है, सो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम प्रोडक्ट्स में है, मोस्टली फ्रूट में है, फ्रूट से ही अगर वाइन बन रही है तो उस वाइन में है। लेकिन जो फ्रूट में जो जिस तरीके से आप लोगे उसकी जब आप कॉस्टिंग पकड़ते हो, तो जितनी एंटीऑक्सीडेंट्स आप एक या डेढ़ कप में मिलेगा, उतने ब्लूबेरी अगर आप खरीदने जाओगे कि सेम नंबर ऑफ यू नो सेम क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मुझे ब्लूबेरी से मिल जाए, तो एक बार के लिए आपको 800 रुपए खर्चने पड़ेंगे, और यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है 10 रुपए। सो अगर आप अपनी ना कि ये अरे ये कप इतने का है ना, उस पर नहीं, आप अगर हेल्थ वाइज अगर जाते हैं देन इट इज वेरी चीप, इट इज एक्सट्रीमली चीप। एंड दूसरी चीज जो ये चाय के ऊपर अभी बात हो रही थी कि ब्रिटिशर्स तो अलग तरीके से पीते थे तो इंडियंस को अलग तरीके से पिलवाई, इंडिया में चाय का इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ कि और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, यू कैन ऑल गूगल इट, मैंने भी वहीं से ही पढ़ा है। सो इंडिया में रेलवे स्टेशन में चाय का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियंस के लिए, जो ब्रिटिश हमारे हमारे लिए कुछ उन्होंने अच्छा नहीं किया, जो भी हम किताब में लिखने के लिए पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि रेलवे ट्रैक्स बनाए, रेलवे ट्रैक्स उन्होंने अपने टिम्बर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए थे। तो लेकिन एक चीज़ ऐसी की कि ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री में क्यों दे रहे हैं, फिर फ्री में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हाई क्वालिटी थी वो इम्पोर्ट कर रहे थे, अब इम्पोर्ट में कॉस्ट लगता है, तब और था कार्गो कॉस्ट, तो कार्गो कॉस्ट तो वो हाई क्वालिटी के लिए करेंगे ना, जिससे कि यूरोप के हाई मार्केट्स में वो बेच पाए। सस्ते प्रोडक्ट का क्या करें, डस्ट का क्या करें, तो डस्ट को इंडियंस को पिला दिया, और वो खुद तो उसमें चाय का अगर उनके तरीके से अगर आप पिए तो इवन सीटीसी चाय जो है दार्जिलिंग टी में तो ऑर्थोडॉक्स में तो डलती नहीं है शुगर सॉरी मिल्क, बट अगर आप इसमें जा रहे हैं कि सीटीसी में भी तो दे यूज टू ऐड आई थिंक 4 स्पून्स फुल ऑफ मिल्क, बट हमें कैसे कहा दिया दूध में खोला दो, क्योंकि दूध में खोलाने की वजह से ज्यादा क्वांटिटी यूज होगी ना, जब आप पानी में कम पानी में जल्दी फ्लेवर घुलता है, दूध में टाइम लेगा, चीनी डाल के टाइम लेगा, तो अब उस क्वांटिटी को बढ़ाए कैसे कि ये कचड़ा जल्दी जल्दी पिए, तो दूध बढ़ा दिए। तो ये सारी जो ये कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म चला है हम आज तक वही कर रहे हैं, लेट्स चेंज दैट, लेट्स हैव द हेल्दी ड्रिंक, जब हमारी है तो हम पिए, दूसरे को क्यों पिलाएं। मुझे ज्वाइन कर लो मेरे साथ।
हम दोनों मिलके वीडियो बनाएंगे। पहले तो जैसे दार्जिलिंग के बारे में आपको बताया, वैसे तो सभी के गार्डन्स में फीमेल वर्कर ही मैक्सिमम, आप और भी ले सकते हो थोड़ा थोड़ा कपड़ा डाल सकते हो। दार्जिलिंग में आप ऐसे समझिए कि कितनी कठिनाइयों में काम करना पड़ता है। अभी पहाड़ तो मैंने आपको दिखा दिया कि कितना स्टीप पहाड़ है, लेकिन उस स्टीप पहाड़ पे एक वर्कर, एक फीमेल वर्कर, उसकी एज भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, और वो इतनी खतरनाक कंडीशंस में काम कर रही है कि उसका एक पैर शायद ऊपर एक पैर नीचे, बच्चा घर पे शायद रोता हुआ हो सकता है, या कोई दूसरी कठिनाइयां भी हो सकती हैं। तो उस कमर पे बांध के भी करते हैं लोग, उस मेहनत से यहाँ पे काम करके वो चाय पैदा हो रही है। अब यदि उसको हम चीप और कॉस्टली समझें तो वो हमारी अपनी मेंटेलिटी है। हम अपने जीवन में कुछ ना, ये मैं मैसेज आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ जिससे आप ये फर्दर इस मैसेज को 10 लोगों को भी भेजेंगे तो उसका फायदा होगा। उस कष्ट वाली चीज से जो चीज पैदा होकर आ रही है, हम अपने जीवन में बहुत सारी लग्जरी चीजें कर रहे हैं। सारा कुछ हम ऐसा नहीं खाते हैं कि जो बहुत सोच समझ कर खर्चा करते हैं, लेकिन जब चाय की बात आती है तो वो पुअर मेंटेलिटी हमारी निकलने लगती है। वो ठेले वाली चाय ने भी 10 का 20 कर दिया यदि करोल बाग में, तो भी तकलीफ होने लगती है कि अब इसने 20 रुपए कर दिए। तो चाय को थोड़ी सी इज्जत देने की जरूरत है। यदि इसी टेबल पे एक अच्छी स्कॉच रखी हुई होती तो उसके लिए ग्लास भी 500 रुपीज के होते। यदि वो सिंगल मॉल्ट होती तो शायद 2000 के ग्लास रखे हुए हो सकते थे। जबकि पानी के बाद चाय सबसे ज्यादा पीने वाली चीज है, हमने उसको कभी वो इज्जत नहीं दी। तो मेरा प्रयास ये है आपको समझाने का कि आप दार्जिलिंग की चाय को वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत दें लोगों को। चाय बेचें तो उसके साथ उसकी केतली भी दें, भले वो कहीं से भी आई है। कप भी देने तो ये वाला कप हुआ तो उसको ज्यादा मजा आएगा, उसको लगेगा कि मैं कुछ पी रहा हूं। कब से है उमेश से? ये 2 साल से हो गया। 2 साल से हो गया। क्या क्या सुविधा है आपका होम स्टे में, क्या क्या खिलाते पिलाते हैं? खाने के लिए तो इधर कई लोकल जो भी है, लोकल सब खिलाते हैं। जो भी साग सब्जी चावल दाल सब लोकल लोकल मिलता है। बहुत बढ़िया। तो आप भी, आप खाना कौन पकाता है? खाना तो हमारा वो पकाता है, हम भी पकाता हूँ। बहुत बढ़िया। अभी हम एक सेक्शन में आए हैं जहाँ पे प्लांटेशन के बारे में समझेंगे कि किस वैरायटी की प्लांटेशन है, इसकी खासियत क्या है, इसकी पूर्निंग स्टाइल वगैरह, एज के बारे में, स्प्रेइंग सिस्टम के बारे में, प्लकिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे सर से। तो सर जैसे फील्ड मैनेजमेंट में काफ़ी महारत हासिल रखते हैं और इनकी नॉलेज तो अद्वितीय है, काफ़ी बढ़िया नॉलेज है। तो सर अब बताएँ कि सबसे पहले इस प्लांट की वैरायटी के बारे में जानना चाहेंगे, किस वैरायटी के प्लांट है और वहाँ पे हरा क्यों दिख रहा है, यहाँ पे डीप ग्रीन क्यों दिख रहा है? देखिए, जिस सेक्शन में हम खड़े हैं उसमें असम और असम हाइब्रिड है। उसके अलावा जो हर प्लांट के कलर में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा तो वो उसका एज फैक्टर होता है, सॉयल का फैक्टर हो सकता है। उस कारण से न्यूट्रिशन का, सॉयल का फैक्टर मैंने इसलिए बताया कि कहीं पर न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है और या किसी की रिकवरी लेट हो सकती है, और चूंकि ऑर्गेनिक गार्डन है तो कहीं पे उसके सप्लीमेंट का सपोर्ट कम हो सकता है। लेकिन दोनों प्लांट एक ही है? दोनों प्लांट लगभग एक ही देखी है। ठीक है, तो ये क्या मतलब, क्लोन है, सीड है, हाइब्रिड है, क्या है ये? एक्चुअली चाइना हाइब्रिड है। चाइना हाइब्रिड है। चाइना हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? जो चाइना और असम को क्रॉस करके बनाएगा, क्रॉस करके बनाएगा, मतलब चाइना का भी क्वालिटी है, असम का भी क्वालिटी है इसके अंदर में, जिससे कि टेस्ट और फ्लेवर और क्वालिटी एक बनी रहे उस हिसाब से। अब बताओ, बोलो। हाँ बताइए सर, उसमें कुछ और विकास कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? चाइना हाइब्रिड क्या है अब इसमें? आपका क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलेगी। आ गया है, दोनों को देखते हुए ये क्रॉस करके चाइना हाइब्रिड बनाएगा, मतलब इसकी इसमें यील्ड भी मिले ज्यादा। हाँ, ज्यादा यील्ड भी मिले और क्वालिटी भी रहे। ठीक है, तो
तो ये और कुछ जानकारी देंगे इसमें किस ढंग से कब कब लगाई गई है, कितनी पुरानी होगी प्लांट? ये आपका 150 साल पुरानी होगी। 150 साल मतलब कब लगाया गया था ये? ये आपका ये गार्डन मतलब नहीं, ये प्लांट की बात कर रहा हूँ। ये नई प्लांटेशन है कि पुरानी है? नहीं, ये पुरानी है। पुरानी, बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। मोर देन 100 ईयर्स। ये तो पैसा लग रहा है। गार्डन का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1889 के आसपास हुआ है। बहुत पुरानी गार्डन बहुत नहीं, मैं सोचा कि शायद आप लोग नए प्लांट लगाए होंगे, नहीं तो इसलिए मैं पूछ लिया वैसा। तो ये जान के बहुत खुशी हुई, अच्छी लगी। और ये मुझे बताइए, प्रूनिंग साइकिल कैसे क्या मेंटेन करते हैं? प्रूनिंग मतलब क्या होता है? प्रूनिंग जो है कई कारणों से की जाती है। प्रूनिंग एक तो बुश का हाइट मेंटेन करना है, तो हाइट अदरवाइज इसका हाइट जो है बढ़ता चला जाएगा, तो एक प्लकेबल हाइट रखना होगा। सही बात। दूसरा कारण प्रूनिंग करने का यह है कि हमको एक प्लकिंग सरफेस चाहिए। यदि इस बुश को हम बढ़ने देंगे तो उसका नंबर ऑफ जो प्लकिंग का पॉइंट्स होगा कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हमको एक्चुअली आप समझिए जैसे लैंड के ऊपर में कारपेट चाहिए, जो कारपेट फैला हुआ होगा तो हमारे नंबर ऑफ प्लकिंग पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे, अदरवाइज वो पेड़ जैसा हो जाएगा। हाँ, फिर आपका पेस्ट कंट्रोल के लिए साइकिल मेंटेन करनी पड़ती है कि यदि 3-4 ईयर्स की साइकिल है तो 4 ईयर्स में कुछ कुछ डेवलपमेंट हो गया है पेस्ट का या डिजीज का। तो उसके लिए क्या है कि चूंकि ये तो ऑर्गेनिक गार्डन है तो यहाँ पे कोई दूसरा केमिकल तो यूज होता नहीं, तो हम प्रूनिंग साइकिल से वैसे भी मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। जब ये कटेगा तो इसकी सफाई होगी, पूरा बुश फ्रेम साफ होगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, फिर से नई पत्ती आएंगी, नई पत्ती आएंगी, बुश की हाइजीन मेंटेन होगी। तो ये सब रीजंस हैं प्रूनिंग करने के लिए। उसके अलावा जो बहुत बड़ा कारण है वो कारण है क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन। यदि पूरा गार्डन सपोज अनप्रूनड है तो एक ही साथ फ्लश आएगा, मुश्किल हो जाएगी, एक ही साथ बैठ जाएगा और फिर वो एक ही साथ बड़ा होता चला जाएगा। तो गार्डन को जो है ज्यादातर दार्जिलिंग में 5 ईयर्स की प्रूनिंग साइकिल रखते हैं क्योंकि यहाँ ग्रोथ स्लो है। सीटीसी में जैसे 3-4 ईयर्स है, यंग टी में 3 ईयर्स है, और जो मैच्योरिटी हो जाती है जब 20 इंच से ऊपर प्रूनिंग हो जाता है तो 4 ईयर्स की साइकिल मेंटेन आती है, पर दार्जिलिंग में इसको 5 ईयर्स रखते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी बात आपने बताया कि एक क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि जैसे फर्स्ट फ्लश में कुछ पत्तियां आई, फिर सेकंड फ्लश में भी पत्तियां ठीक ठाक रहे, रेनी सीजन में पत्तियां रहे, सारे एक साथ पत्तियां आएंगी एक साथ जाएंगी तो दिक्कत होगा, फैक्ट्रियां कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बाकी जो है टाइम पे क्या करेंगे, बैठे देंगे, राइट? तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात है, नॉट ओनली क्रॉप, क्वालिटी भी बनी, क्वालिटी भी बनती है क्योंकि जो एलपी होगा उसका क्वालिटी अलग बनेगा, डीएस है उसका क्वालिटी अलग बनेगा, अनप्रून है वो फर्स्ट फ्लश में देगा, डीएस है सेकंड फ्लश की तरफ आएगा, बैक एंड क्रॉप जो है एलपी देगा, तो वो सब क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आप लोग ये खरपतवार रोकने के लिए क्या करते हैं? ये खरपतवार रोकने के लिए हम लोग मैनुअल वीडिंग करते हैं। तो इन जनरल आप जब दूसरे गार्डन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपका ग्राउंड क्लियर है, साफ है। यहाँ चूंकि हम मैनुअल करते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक हैं, तो हाथों से, हाथ से निकालना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग वीडिसाइड यूज नहीं करते हैं तो गार्डन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक मंथली साइकिल या 2 मंथ की साइकिल में, कि जिससे हमारे जो वर्कर्स हैं वो घूम के इसको साफ करते हैं। साफ करते हैं, सही बात है। किसी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं होता? नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। केमिकल भी यूज नहीं होता है और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया है, फॉस्फेट है, या म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो हम लोग यूज नहीं करते। किसी तरीके का कोई कुछ भी नहीं होता, जो भी हम देंगे कंपोस्ट देंगे, गोबर का खाद वगैरह, गोबर का खाद या कंपोस्ट देंगे। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहा, एक चाय वगैरह के सेक्शन पर रुके थे, बहुत सारी जानकारियाँ लेनी बाकी रहेंगी, फिर हम लोग मिलेंगे, आएंगे सर से और भी समझने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग आज नहीं हो रही थी तो बहुत सारी बातें हैं अधूरी रह गई, फिर नेक्स्ट जर्नी में आएंगे और मिलेंगे और आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सबको।